सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरे पास एक फ़ोन आया है, एसी मोबाइल। ये चाइना का फ़ोन है और बहुत सारे फ़ोन इस तरीके से आते हैं, तो देख सकते हो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। बैटरी लो, टेम्परेचर डोंट चार्ज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है। दोस्तों देखो, जितने सारे चाइना के फ़ोन होते हैं उसके अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम कैसे दूर करना है सिर्फ दो मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एक जम्पर लगाना है और जम्पर लगाते ही आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखो, चार्जिंग में जब भी हम फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग लिखता है, और चार्जिंग लिखने के बाद तुरंत ये बैटरी लो, टेम्परेचर डोंट चार्ज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद होता क्या है कि ये चार्जिंग जो है हमारा आगे बढ़ता नहीं है, फुल चार्ज बैटरी होता नहीं है। तो इसको करना क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करोगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, इसको हम ओपन कर लेंगे फ़ोन को, और ओपन करने के बाद ही हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फटाक से। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो, तो हमने फ़ोन को ओपन कर लिया हुआ है। अब दोस्तों आपको एक ट्रिक लगाना है जिससे आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है चार्जिंग सब कुछ ओके है। अब दोस्तों करना क्या है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर करोगे। आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, दो पॉइंट आपको बैटरी का जो बीच वाला पॉइंट है PSI का, ये वाला और ये वाला, दोनों को एक में शॉर्ट कर देना है यहाँ पर, यानी कि जम्पर लगा देना है। जैसे आप जम्पर लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जम्पर लगा के और दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको आगे नहीं लगाना है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जितने सारे फ़ोन होते हैं चाइना का, इन सभी फ़ोन्स के अंदर, इस तरीके के फ़ोन जो भी होते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम आते हैं ये, ठीक है। मान लो बैटरी चेंज करा या कुछ भी करा, इसके वजह से ये बहुत सारे फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है बैटरी का जो प्रॉब्लम है आपको मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने जम्पर लगा दिया हुआ है, यहाँ से बीच वाले पॉइंट से और माइनस पॉइंट पे, दोनों पे यहाँ पे मैंने जम्पर लगा दिया हुआ है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं फ़ोन को। तो दोस्तों देख सकते हो, हमने इसको पैक कर लिया हुआ है। सिम को भी यहाँ पे लगा देते हैं और बैटरी लगाते हैं, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है या नहीं। तो फ़ोन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चार्ज में लगाया, फ़ोन जो हमारा चार्जिंग लेने लगा और ये जो प्रॉब्लम था बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी आईटेल हो या कोई भी चाइना का फ़ोन हो, उसको आसानी से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। सिर्फ एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।